वेलकम स्टूडेंट टू अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. सो इन प्रीवियस वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द प्रोटिस्टा एंड इट क्लासेस. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर सेकंड नेक्स्ट किंगडम फंगी. सो फंगी की अगर बारे में जनरल बात करें तो उसमें आपको नॉन फोटोसिंथेटिक कैटेगरी. ओके, और जब भी कोई नॉन फोटोसिंथेटिक कैटेगरी होते हैं तो हम उसको ऑटोट्रॉफिक में इंक्लूड नहीं कर सकते. सो वी कंसीडर एज अ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. ओके, यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं हम लोग उसको, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. और उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलती है. सो द ग्रेट डाइवर्सिटी, आपको किस फॉर्मेट के लिए इसको डाइवर्सिटी में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसके दो फॉर्मेट है. एक मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें डाइवर्सिटी मिलेगी, और दूसरा उसका जो हैबिटेट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलने के चांसेस है. अगर जनरली बात करें तो फंगाई आपको कौन से कैटेगरी में आपको दिखने को मिलती है, तो जनरली जो हमारी ब्रेड है उस ब्रेड पे आपको वाइट फाइबर्स दिखते हैं ना, वो होती है मोल्ड कैटेगरी. तो यानी कि वो भी फंगस का प्रॉब्लम है. ओके, दूसरी अगर बात करें तो आपको, आप कोई ऑरेंज है, ऑरेंज को रख दो अपने, मतलब फ्रिज में नहीं आउटसाइड रखना है. तो अगर आप आउटसाइड रखोगे तो थोड़े दिन के बाद उस ऑरेंज के ऊपर आपको वाइट फाइबर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा. सो इट विल बी कंसिडर एज अ रॉट. सो जो ऑरेंज रॉट यानी कि जो आपका सड़ रहा है ना ऑरेंज, वो भी कौन सी कैटेगरी के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, तो फंगाई के लिए. आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक का? तो ये आपके दो एग्जाम्पल उसके लिए रहेंगे. फिर जनरल बात चल रही है तो उसके हिसाब से बोले तो कुछ ऐसी फंगस है जिसको हम खा भी सकते हैं. तो वैसे एक एग्जांपल हम कंसीडर करें तो मशरूम, जो एडिबल है, यानी कि और भी है एडिबल फंगस में जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं टोडस्टूल. तो ऐसी जो फंगस होती है वो हम लोग कंसीडर करेंगे एडिबल फंगाई में, मतलब कि उसको हम इजीली खा भी सकते हैं, या फिर उसकी डिलीशियस रेसिपीज वगैरह भी बनते हैं. अगर बात करें एक एग्जांपल ईस्ट, जो एक एक्सेप्शनल केस बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर फंगाई का, तो यूनिसेल्युलर ईस्ट के थ्रू आप दो चीज़ बना सकते हो, एक ब्रेड भी बना सकते हो और दूसरा बियर भी बना सकते हो. वैसे देखो तो ईस्ट का साइंटिफिक नाम कॉमन है, कौन सा? तो सैक्यूरोमाइसिस सेरेविसिस. अब जनरली क्या है सैक्यूरोमाइसिस सेरेविसिस की कैटेगरी में, कि अगर ब्रेड बनाने के लिए हम इस यूज़ को कर ईस्ट को यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब होता है वो बेकर्स ईस्ट. क्या कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे उसको? बेकर्स ईस्ट. अगर बियर बनाने के लिए यूज़ होता है सो इट वुड बी कंसिडर एज अ बेवरेजिस इंडस्ट्री. सो ब्रूअर्स ईस्ट बोल सकते हैं हम उसको. क्या बोलेंगे हम उसको? ब्रूअर्स ईस्ट. अच्छा, वैसे सारी फंगस यूजफुल भी नहीं है, तो कुछ हार्मफुल भी है. तो जो जनरली हम लोग बात करते हैं तो फंगी डिजीज़ भी स्प्रेड करती है. तो डिजीज़ प्लांट में भी हो सकता है और एनिमल, जनरली जो एनिमल में होते हैं तो उसको तो हम लोग जनरल लैंग्वेज में फंगल इन्फेक्शन ही कंसिडर कर लेते हैं. तो ये कैटेगरी जाएगी. कुछ एग्जाम्पल दिए है कि कौन से एग्जाम्पल आपको वहाँ पर क्लियर करने हैं कि जो टोटली फंगी बेस्ड है. तो जैसे वीट में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीट रस्ट, तो आपको वो एग्जांपल है पक्सिनिया. ये फंगस का नाम है, अभी हमारे टॉपिक में ही आएगा तो वो तब हम उसको डिस्कस करेंगे. वैसे कुछ यूजफुल की अगर बात करें तो आप लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हो ना, तो एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी यूज होती है. ऐसे एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है पेनिसिलियम. कौन से फंगस का एग्जाम्पल हमें याद रखना है वहाँ पे? पेनिसिलिन. तो वो उसके लिए रहेगा. ओके, फिर स्पेशली जो यूनिक कैरेक्टर है फंगाई का, सो द फंगाई विल बी कंसिडर एज अ कॉस्मोपॉलिटन. अब देखो ये वर्ड का मीनिंग क्या है, कि आपको सभी जगह मिलने वाली है. कॉस्मोपॉलिटन यानी कि मैं मेरी लैंग्वेज में बोलता हूँ तो उसको अत्र तत्र सर्वत्र, मतलब कि सभी जगह मिल रही है. यानी कि ये आपको एयर में भी मिलेगा, वाटर में भी मिलेगी फंगस, सॉइल में भी मिलेगा, इवन ऑन एनिमल सरफेस, एनिमल बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं. तो ऐसी कैटेगरी रहेगी आपके लिए फंगस की. आइडिया क्लियर होगा? अच्छा, अब ये कॉस्मोपॉलिटन क्यों है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जनरली आपको ग्रो कहाँ पर मिलेगा उसका, तो सारे वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में. कहाँ पर ये इजीली ग्रो हो जाती है? तो
कोई भी आप वार्म या ह्यूमिड प्लेसेस ले लो, वहाँ पर आपको आपको ये इजीली ग्रो करने मिलेगी। डन। अच्छा, जनरली एक बात आपने देखी होगी कि जो हमारा फूड है ना, हम उस फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि रेफ्रिजरेटर में क्यों रखेंगे, बाहर नहीं रखते? अगर बाहर रखते हो तो वो बैक्टीरियल या फिर फंगल के, यानी कि फंगल का एक थिन फाइबर भी आ गया ना, तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। सो रेफ्रिजरेटर में रखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, उससे हमें ये प्रिवेंशन देने वाला है। तो ये कंडीशन आपको याद होगा, यहाँ तक का क्लियर। चलो उससे आगे जाते कि जनरली जो फंगाई है ना वो मल्टी सेल्यूलर है, बट एक्सेप्शन केस की बात करूँ मैं तो आपके पास एक एग्जांपल रहेगा ईस्ट, जो यूनिसेल्यूलर है। क्या है वो? यूनिसेल्यूलर। बट मोस्ट ऑफ जो फंगी होती है वो फिलामेंटस एंड मल्टी सेल्यूलर होती है, यानी कि एक सेल मिलने के बहुत कम चांसेस होते एक्सेप्ट द ईस्ट की बात करें तो। तो फिलामेंटस की कैटेगरी की बात करें तो वो कैसे हो गए? तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसे थीन फाइबर को हम एक स्पेशली नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे हाइफी। क्या कंसिडर करते हैं उसके हम? हाइफी। अगर हाइफी का नेटवर्क बना दो आप, क्या बना दें आपको? हाइफी का नेटवर्क, सो उसके लिए नाम चेंज हो जाएगा, इट विल बी कंसिडर एज अ माइसीलियम। मतलब कि अगर मैं एक थीन फाइबर की बात करता हूँ सो इट विल बी कंसिडर एज अ हाइफी, बट अगर ऐसे कॉइल या कोई भी नेटवर्क की बात चलती है सो इट विल बी कंसिडर एज अ माइसीलियम। आइडिया क्लियर होगा यहाँ पे। बट हाइफी में भी आपके पास दो कैटेगरी मिलेगी। कुछ जो हाइफी होती है उनका जो फिलामेंट होता है वो कंटिन्यूस विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, ओके? और ऐसे जो होते हैं ना उनको हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं कोएनोसाइटिक या फिर एसेप्टेड फंगस। क्या बोलते हैं उसको? कोएनोसाइटिक या फिर एसेप्टेड फंगस। आइडिया क्लियर होगा यहाँ पे। चलो दूसरी बात करें तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके फिलामेंट नॉन कंटिन्यूस या फिर सेप्टेट या फिर उसको हम लोग कंसिडर करें तो क्रॉस वॉल्स होते हैं। चलो कैसे तो क्लियर कर लेते हैं। अगर समझ लो कि ये एक फिलामेंट है बट इसमें आपको ऐसे चैम्बर्स दिखते हैं तो इट विल बी कंसिडर एज अ सेप्टेट। बट अगर आपको ऐसा फिलामेंट दिखता है कि जिसमें आपको सिर्फ ऐसे न्यूक्लियस ही दिखते हैं सो इट विल बी कंसिडर एज अ मल्टी न्यूक्लियेटेड। आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक का। चलो अब बात करते हैं फंगी की वॉल की। आगे भी आ चुका है विटेकर फाइव किंगडम में कि फंगी जो वॉल होती है वो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, यानी कि हम उसको कई बार बोल सकते हैं तो फंगल सेल्यूलोज होता है। क्या होता है वो? फंगल सेल्यूलोज। तो वो हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ओके? चलो अब बात आती है न्यूट्रिशन की। जनरली तो हमने कंसिडर कर लिया था कि फंगी हीटरोट्रॉपिक है, बट उसमें भी हमें सेपरेट करना पड़ता है। तो फंगी आर द जनरली हीटरोट्रॉप्स, बट हीटरोट्रॉप में भी अगर वो डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट या एनिमल पे तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट्स, ओके? बट अगर वो डिपेंड करते हैं डेड सबस्ट्रेट पे एंड एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से ऑर्गेनिक मैटर तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे उसको हम? सेप्रोफाइट्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। बट कुछ फंगे होते हैं ना जो दूसरे के साथ एक बोल सकते हैं तो वन टाइप ऑफ रिलेशन डेवलप करते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि लाइक सिम्बायोसिस। सो कुछ जो फंगे होती है वो
सिम्बायोंट्स कैटेगरी में जाती है। अब सिम्बायोंट्स में आपके पास दो है कि अगर फंगी एल्गी के साथ मॉडिफिकेशन करती है सो इट विल बी कंसिडर एज अ लाइकेन कैटेगरी। इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जो कुछ फंगी होती है वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट उनके साथ मॉडिफिकेशन करती है सो इट विल बी कंसिडर एज अ माइकोराइजा। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगी कि जो फंगाई का स्टडी होता है ना, तो स्टडी ऑफ फंगस इट विल बी कंसिडर एज अ माइकोलॉजी। क्योंकि देखो यहाँ पे माइसिलियम का वर्ड MI लगाया और राइजा मतलब कि रूट की बात चल रही तो वो कंडीशन रहेगी। डन यहाँ तक का। चलो उससे आगे जाते हैं। अब आता है मेन कैटेगरी, उसके लिए तो जनरल बात करें रिप्रोडक्शन की। आपको वैसे तो यहाँ पे तीनों फॉर्मेट मिल रहे हैं, यानी कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। चलो पहले वेजिटेटिव क्लियर कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव में आपको याद रखना है जनरल जो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी डिस्कस कर चुके होंगे। तो वैसे बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, यानी कि क्या होगा कि कोई भी फिलामेंट है उसके जितने भी पीस होंगे उसमें से वो सारे सेपरेट नए फिलामेंट प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो फ्रेगमेंटेशन की बात आएगी। फिर आपने देखा होगा फिशन, आगे के टॉपिक में भी हमने क्लियर किया कि अगर एक फिलामेंट उसमें से दो फिलामेंट प्रोड्यूस कर सकता है सो इट विल कंसिडर एज अ फिशन। ओके, और ऐसे थर्ड आपको याद रखना है यहाँ पे बडिंग। जनरली आपको ये ईस्ट में देखने को मिलता है, तो अगर समझ लो कि इस टाइप का फंग है और यहाँ पे उसने एक बर्ड बनाया, तो ये बर्ड जब यहाँ से सेपरेट हो जाएगा वो न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू हाइफी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे बडिंग की कैटेगरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। समझ में आया क्या यहाँ तक का? चलो अब उससे आगे जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। चलो ये बात हो गई वेजिटेटिव की। चलो एसेक्सुअल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखने हैं स्पोर्स। चलो स्पोर्स की कैटेगरी की बात करें तो आपको कोनिडिया है या स्पोरांजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स, इनको याद रखना है। अगर इनकी बात करें कोनिडिया फिर स्पोरांजियोस्पोर की, तो वो है सब नॉन मोटाइल स्पोर। यानी कि कोनिडिया और स्पोरांजियोस्पोर की अगर बात करते हैं तो वो नॉन मोटाइल स्पोर है, और जो जूस्पोर होते हैं देखो नाम से पता चलेगा जू यानी कि एनिमल, यानी कि ये आपको मिलेंगे मोटाइल स्पोर। तो ये यहाँ पे एसेक्सुअल की बात हो जाएगी। चलो अगर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनरली स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ना यहाँ पे, और उन स्पोर को प्रोड्यूस करने वाला जो पार्ट होता है मतलब कि स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी या फिर ऑर्गन भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सो इट विल बी कंसिडर एज अ फ्रूटिंग बॉडीज। चलो ऐसे फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से जो स्पोर्स है वो आपको तीन टाइप के मिलेंगे। एक जिसको हम लोग बोलेंगे उस्पोर, दूसरे होते हैं एस्कोस्पोर्स, और जो है वो थर्ड कैटेगरी डेसिडियोस्पोर्स। ओके, तो ऐसे तीन टाइप के आपको स्पोर मिलेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो इवेंट्स होने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसकी बात है। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है उसमें जो फर्स्ट इवेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। अब जनरली देखो प्लाज्मोगेमी नाम से पता चलेगा कि प्लाज्मा की बात चल रही है, तो प्लाज्मोगेमी में होगा क्या कि जो भी फिलामेंट है उस फिलामेंट का यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, और किसका, तो प्रोटोप्लाज्म का, मतलब कि उस सेल्स के जो भी प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन है उसका क्या होगा यहाँ पे फ्यूजन होने वाला है, और यहाँ पे आइदर वो मोटाइल गैमेट्स है या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स कोई भी है चलेगा, बट उनका फ्यूजन होना कंपलसरी होता है। तो पहली कंडीशन ये रहेगी, तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ। सेकंड कंडीशन जो हम कंसिडर करते हैं वो होता है कैरियोगेमी।
अब अगर नॉर्मल बात करें तो कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, तो फ्यूज़न ऑफ टू न्यूक्लिय, और जैसे ही दो न्यूक्लिय फ्यूज़ हो जाते हैं वो प्रोड्यूस क्या कर देगा, जाएगा, ये कंडीशन रहेगी। और थर्ड स्टेज जो इसका वो है मियोसिस, यानी कि क्या होता है कि जो आपका जायगोट डेवलप हो चुका है वो जायगोट अब करेगा मियोसिस, यानी कि क्या होगा कि जायगोट आपको पता है कि n प्लस एन से 2n बना, अब इस 2n का मियोसिस होता है तो पहले n प्रोड्यूस होगा, उसके बाद वापस वो 2n टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करेगा, और ऐसे ये जो बनेंगे ना उसको हम लोग कंसिडर करते हैं हैप्लोइड स्पोर्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे आप उसको, हैप्लोइड स्पोर्स। बट कुछ ऐसी फंगस है जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि सम फंगी आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वो इमीडिएटली जायगोट फॉर्मेट कर सकते हैं। जो डिप्लोइड सेल्स है और उसका मियोसिस हो जाता है। बट हमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी यहाँ पे डिस्कशन करने हैं, तो वैसे केस मतलब इसके क्लास के ही नाम है, तो इन केस ऑफ एस्कोमाइस और बेसिडियोमाइसेट्स। अब इनके केस में क्या होता है कि बीच का एक स्टेज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेनिंग स्टेज, और इंटरवेनिंग जो स्टेज होता है उसमें क्या होगा कि डाइकैरियन, यानी कि समझ लेते हैं कि अगर चलो ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, इनका फ्यूजन हो गया विथ न्यूक्लियस, तो सेल्स तो एक ही है बट उसमें दो न्यूक्लिय रहेंगे, यानी कि एन प्लस एन पर सेल, यानी कि एक ही सेल में आपको ऐसा स्टेज मिलेगा। तो इस टाइप के सेल्स को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियन। क्या बोलेंगे इसको, वापस बोलते हैं तो डाइकैरियन बोलेंगे, और उसके बाद आफ्टर कुछ स्टेजेस वो कन्वर्ट हो जाता है एक में से ये, यानी कि 2n हो जाएगा, और उसके बाद वो फर्दर वो मियोसिस करने वाला है। तो ये कंडीशन आपको उसके लिए याद रखना है, ये रहेगा यहाँ पे, तो ये रहेगा। और जनरली जो हमने आगे बोला कि किसी भी फंगस की कैटेगरी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है उसके लिए जो ऑर्गन हम कंसिडर करते हैं वो है क्या, तो फ्रूटिंग बॉडी। उस फ्रूटिंग बॉडी में जनरली आपको मिलेगा रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस, और जब भी रिडक्शन डिवीजन होता है तो वो उसमें से क्या क्रिएट करेंगे, तो हैप्लोइड स्पोर, ये आपको याद रखना है, और इसके हिसाब से यहाँ पे उनका क्लासिफिकेशन है। तो वन बाय वन हमें क्लास सीखने हैं, तो उसमें से आज हम फर्स्ट ये जो क्लास है उसका वो क्लियर करेंगे। तो ग्रुप का टाइटल क्या है उसका, फाइकोमाइसेट्स। अभी हमें कौन सा क्लियर यहाँ पे करना है, तो फाइकोमाइसेट्स। चलो अगर फाइकोमाइसेट्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं पहले, तो आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ऑलमोस्ट एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलेगा, ओके। सेकंड, जितने भी डिके हो रहे हैं यानी कि डिकम्पोजर कैटेगरी की बात करते हैं, डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में भी आपको ये मिलेगा। कई बार ये प्लांट पे पैरासिटिक भी मोड है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट, ये कंडीशन आपको याद रखनी। चलो उसके माइसिलियम की बात करते हैं, उसका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा है, तो एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक टाइप का है, ओके। चलो अगर बात करते हैं उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो टाइप के स्पोर मिलेंगे, जू स्पोर जिसको हम लोग बोलते हैं मोटाइल स्पोर प्रेजेंट है, और दूसरे नॉन मोटाइल के लिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वर्ड है एप्लानोस्पोर करके, तो वो है आपके लिए नॉन मोटाइल के, तो ये याद रखना, ओके। और ऐसे जो स्पोर जिस जगह से प्रोड्यूस होते हैं ना वो हम कंसिडर करते हैं स्पोरांजियम। और यहाँ पे ये जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना आपके, जू स्पोर या फिर एप्लानोस्पोर, वो है एंडोजीनियस कैटेगरी के, मतलब कि स्पोरांजियम के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एंडोजीनियस। चलो बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट मोड के बाद, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे होगा फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, और अगर यहाँ पे दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो वो बनाएगा क्या, तो जाइगोस्पोर।
क्या बनाने वाला है यहाँ पे, वो जाइगोस्पोर। वैसे ये वन टाइप ऑफ जाइगोट जैसा ही सिचुएशन है, और ये भी कौन से टाइप का आपका डिप्लोइड टाइप का ही सेल रहने वाला है। ओके, अब इसमें जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं ना, वो गैमेट आपको तीन टाइप के मिलने वाले हैं। एक जिसको हम लोग कैटेगरी बोलते हैं आइसोगैमस। अब आइसोगैमस का मतलब क्या होता है कि मेल फीमेल बोथ आर लुकिंग मॉर्फोलॉजी वाइज सेम, सो इसको हम कंसिडर करते हैं आइसोगैमस, मतलब दोनों सिमिलर है। अगर सिमिलर नहीं है तो हम बोलते हैं इसको एनआइसोगैमस। क्या बोलते हैं इसको? एनआइसोगैमस। और कई बार क्या होता है कि मेल मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं ऊगैमस टाइप। क्या बोलेंगे उसको? ऊगैमस टाइप। वो आपको याद रखना। तो वापस रिपीट करते हैं, तो आइसोगैमस का मतलब है कि बोथ गैमेट यानी कि मेल फीमेल सिमिलर इन साइज शेप और स्ट्रक्चर में। एनआईसो का इसे उल्टा कर दो, नॉट सिमिलर इन साइज शेप स्ट्रक्चर। बट अगर ऊगैमस की बात आती है, ये आपको दो तीन चैप्टर में काम आएगा ये तीनों की टर्मिनोलॉजी। ऊगैमस की बात करते हैं तो उसके लिए क्या याद रखना है आपको कि जनरली मेल मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल होगा, और मोटाइल किसी भी मोड ऑफ एक्शन से कहाँ तक पहुँचा है? फीमेल तक पहुँचा है। चलो अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो आपको एग्जांपल याद रखना है एक म्यूकर, सेकंड आपको एग्जांपल याद रखना है राइजोबस। राइजोबस क्या है? जो हमने आगे बोला था ना ब्रेड पे, तो ये है ब्रेड मोल्ड। और थर्ड कैटेगरी आपको याद रखनी है अल्बुगो, जो जनरली पैरासिटिक फंगस है। ओके, तो इतने क्लास आपके यहाँ पे, मतलब कि फाइकोमाइसिस जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे फिनिश होगा। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके तीन बाकी के क्लास, एस्कोमाइसिस, पेसिडियोमाइसिस और ड्यूटेरियोमाइसिस के बारे में। आज के लिए इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसमें इंट्रोडक्शन और हमारा फर्स्ट जो क्लास है फाइकोमाइसिस, वो यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू।